engine dismantling, crankcase. फास्टनर्स को क्रैंक केस में गिरने से बचाने के लिए क्रैंक केस के खुले हिस्से को हमेशा शॉप टॉवल से ढकें। बेयरिंग पुश प्लेट को निकालिए। स्प्रिंग और प्लग बेयरिंग पुश को निकालिए। बेयरिंग सेट प्लेट को निकालिए। राइट क्रैंक केस बोल्ट निकालिए। फिर लेफ्ट क्रैंक केस बोल्ट्स निकालिए। क्रैंक केस बोल्ट्स को हमेशा पहले क्रिस क्रॉस प्रक्रिया में ढीला करें। इंजन को दाहिनी ओर झुकाकर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाइए। अब दिखाए गए तरीके से क्रैंक केस को अलग करें। किसी शार्प टूल का प्रयोग करके क्रैंक केस को अलग ना करें। काउंटर शाफ्ट ऑयल सील गाइड को लगाइए और फिर लेफ्ट क्रैंक केस को निकालिए। क्रैंक केस को कभी भी स्टड से ना पकड़ें। मेटिंग सतह को क्षति से बचाने के लिए क्रैंक केस को हमेशा किसी नरम सतह पर रखें। डबल पिन्स को निकालिए।